मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी में महिला सम्मेलन को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने आवासीय भूअधिकार पत्रों का वितरण भी किया, साथ ही योजनाओं की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि बहनों को हर महीने 1000 रुपये दिया जाएगा। जिले में पानी की समस्या का भी निराकरण होगा, हर घर कनेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही रोजगार को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। एक बात और मेरे बहनों और भाई, निवाड़ी जिले के हर गाँव में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तो हैंडपंप में गर्मी में पानी भर भर के मर जाते थे, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, परेशान हो जाते थे। लेकिन अब केवल 11 गांव और बचे जहां हर घर नल जल से पानी पहुंच रहा है। 30 मई तक निवाड़ी जिले का हर गांव में मेरी बहनों हैंडपंप नहीं टोटी वाले नल का पानी दे देंगे, ताकि टोटी खोलोगे तो झरझर पानी आ जाएगा और गुंड गगरा भरा जाएगा। तो मैं सोचता रहा क्या करूं क्या दूं क्या करूं क्या दूं। एक दिन 28 फरवरी को रात भर मेरी बहनों में जगा और सवेरे 4 बजे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि शिवराज ऐसी योजना बना दे कि हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया सीधे सीधे पहुंच जाए, हर महीना 1000 रुपया पहुंचे। और उस समय हमने फिर योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और मेरी बहनों ये तय कर दिया कि अब अगले महीना से 10 जून से हर महीना 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में आएगा। एक विकास का संकल्प, राम रजा मंदिर तो बने गई, अचरू माता हम गए थे, भाभी परिसर का विकास किया जाएगा, और इसके साथ साथ रोजगार के लिए जेर में औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है जहां कल कारखाने लगाए जाएंगे, उसका काम भी हमारा चल रहा है। तो पूरे जमाने को बदलने की कोशिश है। एक